हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो दोस्तों BU ने फाइनली आपके प्रैक्टिकल और CCE की डेट यहां पे जारी कर दी है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताता वैसे ही इस बार यहां पे हुआ है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहां पे देख पा रहे हो दोस्तों, ये है जो 18 फरवरी 2020 का ही अपडेट है, अभी दोस्तों मात्र 15 से 20 मिनट पहले यहाँ पे निकल के आया है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्या है पूरी जानकारी आपको दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे विषय वार्षिक पद्धता स्नातक प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष सत्र 2019-20 की प्रायोगिक सतत आंतरिक मूल्यांकन परियोजना या प्रोजेक्ट एवं मौखिक परीक्षाएं आयोजित कर अंक प्रेषित करने संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये सभी प्राचार्य को सूचित किया गया है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे विषय अंतर्गत वार्षिक पद्धता के अंतर्गत सत्र 2019-20 स्नातक प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा दिनांक 15 मार्च 2020 तक आयोजित की जाना निर्धारित किया गया है। कृपया विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों के सहयोग से निर्धारित तिथि तथा प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित कर अंक प्रवेश विश्वविद्यालय की वेब प्रकोष्ठ द्वारा आपके महाविद्यालय हेतु निर्धारित लिंक के माध्यम से विश्वविद्यालय वेबसाइट www, ठीक है यहाँ पे दोस्तों वेबसाइट दी गई है, इस पे जो आपको इनको क्या अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को करना है क्या, आपको कुछ नहीं करना, आपकी जो यहाँ पे दिया गया दोस्तों 5 मार्च, ठीक है। तो दोस्तों ये जो कॉलेज वालों की डेट दी गई, तो कॉलेज वाले दोस्तों 5 मार्च तक आपके जो प्रैक्टिकल या फिर CC जो भी कुछ होता है दोस्तों सभी के यहाँ पे जो मार्क्स है जो पोर्टल पे अपडेट कर देंगे। इनके लिए लास्ट डेट दी गई है 5 मार्च, आपके लिए नहीं दी गई थी दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि पहले दोस्तों आपके जो फरवरी में पूरे प्रैक्टिकल और CC आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो वह दोस्तों बिल्कुल ही यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। ये 5 मार्च है जो विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी में सबमिट करने की डेट दी गई है, कॉलेज वाले इसमें सबमिट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो और भी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो फर्स्ट नंबर पे स्नातक स्तर पर संचालित एक संकाय के समान विषय एवं समान पाठ्यक्रम के विभिन्न श्रेणी जैसे नियमित या स्वस्थायी की प्रायोगिक परीक्षाएं एक साथ संपन्न की जानी है, किंतु प्रत्येक समूह की अधिकतम छात्र संख्या 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दिया गया है उनको कि भाई आपको जो एक बार में 120 छात्रों के यहाँ पे डिटेल भेजना है, ठीक है। और ठीक है इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ प्रायोगिक परीक्षा उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा जारी नियुक्त पत्र की छाया प्रति बाह्य परीक्षक के मानदेय देयक या देयकों के साथ भुगतान हेतु आवश्यक रूप से संग्रह कर प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना, ये तो कॉलेज वाले की कुछ डिटेल है, ठीक है। तो ये ही अपडेट यहाँ पे अभी 2 मिनट पहले निकल के आया था, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए वीडियो बना दिया, ठीक है। ये देखिए पूरी, और यदि आपको और भी इसकी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, आपके मन में कोई भी डाउट हो दोस्तों आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।